जैसे दूधी भोपड़ा बहुत अद्भुत है, ऐसे ही एक बहुत अच्छी औषधि है स्वयं पाक गर्भ, वो भी बहुत अद्भुत है। उसका नाम है हड़प हल्दी, बहुत अद्भुत। अगर गले का कोई भी त्रास हो गया, खांसी होती है बार बार खांसी होती है, सर्दी होती है बार बार सर्दी होती है, बच्चों को कई बार वो टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, दर्द होता है टॉन्सिल्स का, ये गले के सभी त्रास की सबसे अच्छी औषधि है हड़प। हड़द लेने के दो तरीके हैं। आप हड़द को गर्म पानी में डाल के ले सकते हैं या गर्म दूध में डाल के ले सकते हैं। दूसरा तरीका, हड़द में मध मिला के ले सकते हैं और हड़द में गाय का तूप मिला के भी ले सकते हैं। ये दो तरीके से हड़द ली जाती है, या तो पानी और दूध में लीजिए गर्म करके, और या तो मध में या गाय के तूप में लीजिए। गले के सभी रोगों में अद्भुत काम होता है। मैंने आपको कहा बार बार खांसी आती है, बार बार सर्दी होती है, बार बार जुकाम होता है, ये सभी के लिए औषधि है हड़द। बच्चों को टॉन्सिल की जितनी भी तकलीफें हैं उसकी सबसे अच्छी औषधि हड़द। टॉन्सिलाइटिस की तकलीफ में भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो तुरंत कहेगा ऑपरेशन कराओ, बच्चों के टॉन्सिल काट के निकालो, कभी मत कराना, उनको थोड़े दिन हड़द दे देंगे, हमेशा के लिए टॉन्सिल की तकलीफ खत्म हो जाएगी। और ज्यादा टॉन्सिल की तकलीफ है कुछ बच्चों को, तो सूखी हड़द जो होती है पाउडर के रूप में, उसको सीधे गले में डाल दीजिए, अंदर चम्मच में हड़द भरिए, गले के अंदर तक चम्मच ले जाइए और छोड़ दीजिए, बस 5-7 मिनट में लार के साथ मिलकर वो अपने आप नीचे उतर जाएगी। और हफ्ते में 2 बार भी आपने ऐसा किया तो हमेशा के लिए टॉन्सिल की तकलीफ बच्चों की खत्म हो जाएगी। यही हड़द रक्त का भी शोधन करती है। नियमित रूप से हड़द का दूध आप पीते रहें या बच्चों को हड़द का दूध पिलाते रहें तो रक्त में कभी भी कोई दोष नहीं आता, रक्त में कोई विकार नहीं आता, और रक्त विकार ना हो तो शरीर में कोई रोग नहीं आता आसान। और हड़द एंटीवायरल है, एंटीबायोटिक है, एंटीपायरेटिक है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, 5 गुण एक साथ हड़द में है। कहीं चोट लग गई है तुरंत हड़द लगा दीजिए, खून बंद हो जाए। सेवलॉन लगाने की जरूरत नहीं, कोई एंटीसेप्टिक क्रीम लगाने की जरूरत नहीं। और जिनके शरीर को, ये बात को आप गंभीरता से और ध्यान से सुनिए, जिनके शरीर को रंग साफ करना है, माने आपको ऐसा लगता है कि आपका रंग थोड़ा डार्क है, थोड़ा ब्लैक है, थोड़ा काला है, आप थोड़ा गोरा होना चाहते हैं, रंग साफ करना चाहते हैं, तो हड़द से अच्छी कोई वस्तु पूरी दुनिया में नहीं। जिनको रंग अच्छा करना है अपने शरीर का, नियमित रूप से हड़द खाइए, दूध में डाल के, नहीं तो पानी में डाल के, नहीं तो मध में मिला के, रंग नियमित रूप से आपका साफ होता जाएगा। दुनिया में जो काम कभी भी फेयर एंड लवली नहीं कर सकती वो हड़द कर सकती। कितना लेंगे? वही 1/2 चम्मच नियमित रूप से लेना पड़ेगा, ज्यादा दिन तक लेना पड़ेगा। फेयर एंड लवली तो कुछ नहीं करती, मैंने फेयर एंड लवली को लगा के देखा एक मशी को 4 साल रगड़ रगड़ के, वो मशी अभी भी काली की काली है। इसलिए फेयर एंड लवली तो कुछ भी नहीं करती, ये बकवास है और टीवी में बोगस जाहिरात है। और महंगी इतनी आती है फेयर एंड लवली, 25 ग्राम 40 रुपए की है, तो हिसाब निकालेंगे तो 1600 रुपए किलो आती है। अभी 1600 रुपए किलो की फेयर एंड लवली लाए, उससे अच्छा है 20-25 रुपए किलो हड़द ले आइए, उसकी ताकत बहुत है। और आपको एक और माहिती देता हूं, जिनको शरीर की तकलीफ ऐसी है कि सूर्य के प्रकाश में थोड़ा भी निकले तो त्वचा में जलन होने लगती है, इन सब लोगों को मेरी विनती है कि हड़द लगाइए, हड़द लगा के आप बाहर निकलिए, कभी भी त्वचा में जलन नहीं होगी, सन बर्न कभी भी नहीं होगा, सन स्ट्रोक कभी नहीं होगा। और ऐसे लोग जिनको जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अपने शरीर की शक्ति और वीर्य को सुरक्षित रखना है, वो नियमित रूप से हड़द खाएं तो ब्रह्मचर्य को बहुत अच्छे से आप पालन कर सकते हैं और आपके शरीर के वीर्य को बहुत अच्छे से सुरक्षित रख सकते हैं। और इसी हड़द का अद्भुत उपयोग है, दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी जो किसी औषध से ठीक नहीं होती है वो हड़द से ठीक होती है, और उसका नाम है कैंसर। आप माहिती है आपको, हड़द अमेरिका में पेटेंट करा ली गई, अमेरिका सरकार ने हड़द पर 33 पेटेंट लिए, और ये सारे पेटेंट कैंसर ट्रीटमेंट से लिए गए। हड़द का उपयोग कैंसर में होता है। अब कौन सी हड़द का उपयोग होता है?
हड़द आपके घर में जो काम आती है वो सूखी हड़द है पाउडर के रूप में, एक ताजा हड़द आती है, लीली हड़द कहते हैं, आंबा हड़द कहते हैं, ताजा हड़द कहते हैं, जो खेत में से निकल के सीधे आती है। उस हड़द की चटनी बनाएं, उसमें से रस निकलता है, वो रस कैंसर के रूप में काम आता है। कैंसर के किसी भी मरीज को जिसको गले का कैंसर है, पेट का कैंसर है, आहार नली का कैंसर है, ऐसे किसी भी कैंसर के मरीज को हड़द का रस मत मिला के देंगे तो कैंसर में बहुत तेज काम करती है। अभी तक जितनी रिसर्च हुई है दुनिया में हड़द पर, उन रिसर्च का ये कहना है कि हड़द में कर्क्यूमिन नाम का एक केमिकल है जो कैंसर को ठीक करने की ताकत रखता है, और ये सिर्फ भारतीय हड़द में ही है और दुनिया के किसी देश की हड़द में नहीं है। पाकिस्तानी हड़द में ये नहीं है, बांग्लादेशी हड़द में नहीं है, भारत की हड़द में। तो हड़द आप घर में रखिए, ताजा हड़द मिले, और घर में कोई कैंसर का मरीज हो तो उसका रस निकाल के थोड़ा मध मिला के उसको नियमित रूप से पिलाते रहे, और मध ना मिला सके किसी कारण से तो हड़द में गुड़ मिला के, काकवी मिला के उसको देते हैं।